नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि हिंदू धर्म में श्री राम की माता श्री का क्या नाम था। जी हाँ, कमेंट करके उनकी माता का नाम आप जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवा को। पहली खबर, भारत में कोरोना महामारी की स्थिति में तेज सुधार हो रहा है। दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है और रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,208 नए मामले सामने आए, वहीं पर 103,570 मरीज इस दौरान संक्रमण से उभरे हैं और 2,330 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,97,313 मामले सामने आए हैं, साथ ही कुल मौतों की संख्या बढ़कर 3,81,903 हो गई है। वहीं पर 2,84,91,670 मरीज अब तक संक्रमण से ठीक भी हैं। साथ ही बता दूं कि देश में अब पॉजिटिव मामलों की संख्या कम होकर 8,26,740 पर रह गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस दिन होंगे 12वीं के नतीजे जारी। जी हाँ दोस्तों, CBSE 12वीं की कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि 10वीं और 11वीं के मार्क्स का 30-30% वेटेज और 12वीं कक्षा में परफॉर्मेंस का 40% वेटेज दिया जाएगा। 31 जुलाई तक CBSE 12वीं की नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश 12वीं रिजल्ट फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की बच्चों को लेकर गाइडलाइन, जानिए क्या बोली बातें। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बुधवार को जारी अपने दिशा निर्देश में कहा कि कोरोना के वयस्क रोगियों के उपचार में काम आने वाले आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, हेवी पिरावीड जैसी दवाई और डॉक्सी साइक्लिन वे एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक औषधियां बच्चों के उपचार के लिए अनुशंसित नहीं है, क्योंकि कोरोना पीड़ित बच्चों पर इनका परीक्षण नहीं किया गया है। महामारी के मामलों में एक अंतराल के बाद फिर वृद्धि होने की आशंकाओं के बीच सरकार ने बच्चों के लिए कोरोना देखरेख केंद्रों के संचालन के वास्ते दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इसके अलावा गाइडलाइंस में चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए कोरोना देखरेख प्रतिष्ठानों की मौजूदा क्षमता में भी वृद्धि किए जाने की बात कही है। साथ ही बीमार बच्चों को देखभाल के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया करवाने की भी जरूरत बताई गई है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सों को भी तैनात करने की बातें कही गई है। साथ ही अस्पतालों में HDU और ICU सेवाएं बढ़ाने की भी जरूरत बताई गई है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की जरूरत भी कही गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, UPI इस्तेमाल से पहले जान ले जरूरी बातें, नहीं तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा जागरूकता सेल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त से भी UPI के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अपना UPI पिन किसी के साथ साझा ना करें, अपना UPI पिन गोपनीय रखें। साइबर दोस्त ने कहा कि कटक पूर्ण आकर्षण विज्ञापन ऑफर तक नहीं पहुंचे जो आपका UPI पिन मांगते हैं और आपकी UPI खाते से पैसे काटने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहा है कि किसी अज्ञात स्रोत से प्राप्त किसी भी QR कोड को स्कैन ना करें, इससे खाते से पैसों की अनाधिकृत डेबिट हो सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, TCS, इंफोसिस और विप्रो SCL में बड़ी छंटनी को तैयार, 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, रिपोर्ट में दावा। जी हाँ दोस्तों, जिस तेजी के साथ इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन का दखल बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उनकी नौकरी जाने का खतरा भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनियां जहां अभी 1.6 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं, 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की छंटनी को तैयार है। इससे उन्हें सालाना $100 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार TCS, इंफोसिस, विप्रो, SCL, टेक महिंद्रा और कोजीजेंट जैसी कंपनियां और कई दूसरी कंपनियां भी RPA अप स्किलिंग की वजह से 2022 तक लो स्किल्ड 30 लाख लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बना रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर,
भारतीय मूल के सत्य नडेला की हुई तरक्की, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला सफलता के सोपान पर चढ़ते जा रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें अपना चेयरमैन बना दिया है। नडेला जॉन थॉम्पसन का स्थान लेंगे। गौरतलब है कि सत्य नडेला साल 2014 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी हुए दोनों सस्ता। भारतीय बाजार में सोने के रेट घटने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट आ रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज यानी कि सुबह 17 जून 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का दाम 47,611 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जिसका भाव एक दिन पहले यानी बुधवार शाम को 48,397 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं पर 17 जून को चांदी की रेट भी कम हो गए हैं। 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 70,079 रुपए प्रति किलो है, जो बुधवार यानी कि 16 जून की शाम को 70,079 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में मर्ज करने का फैसला, मोदी सरकार ने लगाई गुहार। मोदी सरकार ने लगाई मुहर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में तब्दील करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अस्तित्व भी खत्म हो गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कार्यरत करीब 70,000 कर्मचारियों को 7 नई कॉरपोरेट कंपनियों में समायोजित किया जाएगा। शुरुआत में उन्हें 2 साल की प्रतिनियुक्ति पर नई कंपनियों में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए इजाफे के बाद बढ़ जाएगी 32,000 रुपए से ज्यादा सैलरी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार 26 जून को डीए में इजाफे को लेकर बैठक करेगी, जिसके बाद आपकी सैलरी में करीब 32,400 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। लंबे समय से डीए का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के खाते में सरकार जल्दी यह पैसा ट्रांसफर कर देगी। बता दें कि सैलरी में यह इजाफा 7वें वेतन आयोग के तहत होगा। इसके अलावा 1 जून के बाद से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा, यानी आपको सीधे 2 साल का महंगाई भत्ता मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दुनिया के अंदर फिर से लागू होगी परमाणु नियंत्रण संधि, पुतिन और बाइडेन की वार्ता के बाद दिया गया निर्णय। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 2 सत्रों में करीब 3.5 घंटे हुई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से वार्ता कई मायनों में लाभदायक रही है। दोनों देश परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। इससे दुनिया से परमाणु हथियारों को खतरा कम किया जा सकेगा। दोनों देश संबंध में सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए एक दूसरे के देशों में राजदूतों की पुनः नियुक्ति भी करेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन समेत कई मसलों पर रूसी रुख के विरोध में अप्रैल में अपने राजदूत को मॉस्को से बुला लिया था। बाद में रूस ने भी जवाबी कदम उठाया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगा चीन का दबदबा, आज सुबह रचा फिर से इतिहास। जी हां दोस्तों, चीन ने अंतरिक्ष की दुनिया में आज एक और ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ाया है। चीन के अंतरिक्ष से यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए गुरुवार सुबह चीन से उड़ान भरी थी। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हेंसेप, लियू बोमी और तांग होंगबे ने गुरुवार को स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए उड़ान भरी है। चीन का अपना स्टेशन अगले साल तक तैयार होगा। चीनी अंतरिक्ष यान आज सुबह 3 यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर ओटीपी डाला तो होश उड़े, जाने क्या हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीनेशन मुहिम को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर मोबाइल नंबर और आधार द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया, ओटीपी आया, लेकिन ओटीपी डालते ही जो मैसेज आया वह पढ़कर होश उड़ गए। बताया गया है कि आपका वैक्सीनेशन 1 महीने पहले ही हो चुका है। यह घटना मुंबई के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर के साथ घटित हुई है। दोस्तों आपके साथ भी कोविन ऐप से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिव्यांगों को अहम जिम्मेदारी देने वाला राजस्थान बना देश का पहला राज्य, जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने दिव्यांगों को भी सत्ता में भागीदारी प्रदान की है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी 200 से अधिक नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगमों में मनोनीत सदस्यों के लिए सीट आरक्षित की है। इस सौगात के बाद राज्य सरकार ने 2 दिन पहले 33 निकायों में 196 मनोनीत पार्षद सदस्यों की घोषणा की थी। इसमें 33 दिव्यांग है। सरकार ने इन सभी 33 निकायों में एक एक दिव्यांग सदस्यों को पार्षद सदस्य मनोनीत किया है। गौरतलब है कि दिव्यांग जन करीब 10 साल से सत्ता में भागीदारी की डिमांड कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सभी निकायों में करीब
300 दिव्यांगों को मनोनीत सदस्य बनाने का मौका दिया गया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।